हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। यहाँ पर आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर एक्सप्लो सॉल्यूशन कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या और यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट एज वेल एज यहाँ पर कंपनी के जिस तरह से डेटा अवेलेबल है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, टेक्निकल बेसिस पर आपको निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहां पर सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं, दैट इज एक्सप्लो सॉल्यूशन, जो कि एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसका जो मेन जो कारोबार है वो किसके अंदर, प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज। सो कि आपको आपको ऐसा लग रहा हो कि दैट इज जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप नॉर्मली यूज करते हो तो उसकी जो टेस्टिंग होती है वो काफी रिक्वायर्ड होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कोई भी जो है बग हो सकता है, या फिर कोई कभी कभी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसके अंदर हैंग हो जाता है या फिर कोई अलग से बग आने लग जाता है। तो उस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए और यहाँ पर किस तरह से आपको जो बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए, तो एक्सप्लो सॉल्यूशन वो काम करती है और उसकी तो इस कंपनी जो है रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी ये हमें देखने को मिलती है। तो ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप की अगर मैं यहाँ पर करंटली बात करूँ तो 1419 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप स्टॉक जरूर बना देता है और उसके साथ साथ में फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपीज़। बीटा निकल कर आता है 0.75, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि अगर इंडेक्सेस के अंदर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.75% का प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करेंटली यहाँ पर जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग निकल कर आता है वो है नियरली 40.47। अगर उसके मुकाबले अगर मैं शेयर को कंपेयर करें तो एक अच्छे से प्राइस टू अर्निंग पे, दैट इज 33.62 के इफेक्टिव प्राइस टू अर्निंग पे करंटली शेयर जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक है 8.88 और बुक वैल्यू निकल कर आती है शेयर की 155.89 रुपये। सो बुक वैल्यू के हिसाब से भी कंपनी जो बुक वैल्यू काफ़ी वैल्यूबल जरूर देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग के क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत ही अच्छे खासे जो प्राइस टू अर्निंग के वे में होता है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड कंपेयर करूँ, दैट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से यहाँ पर कंपनी के किस तरह से रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर जो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दैट इज कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एक स्टेगनेंट और पॉजिटिव वे में यहाँ पर आपको जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ऑल्दो 2020 के अंदर थोड़ा बहुत फॉल आपको जरूर देखने को मिला, बट सॉफ्टवेयर या फिर अगर मैं बात करूँ आईटी सेक्टर तो वो बहुत ज़्यादा बूम हो सकता है आने वाले कल के अंदर। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो कंपनी का बिजनेस है वो मेरे हिसाब से और ज्यादा अच्छा, अगर यहाँ पर अपग्रेडेशन आता है कंपनी बिजनेस के अंदर, बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, तो और अच्छा सा प्राइस मोमेंटम यहाँ पर हमें शेयर के अंदर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर देखने को मिल सकता है। प्रमोटर होल्डिंग के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर जो कंपनी का खुद का जो इस कंपनी में प्रमोटर का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 56.17%, जो कि मेरे आपसे काफ़ी अच्छी बात है। इट इज़ मोर देन 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बीन डन बाय द पब्लिक इन्वेस्ट सॉरी प्रमोटर के द्वारा किया गया हुआ है। DII के द्वारा एज वेल एज FII के द्वारा 1.83 एज वेल एज 0.17% का नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट किया गया हुआ है। बट थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा, इट इज 41.84% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बीन डन बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, या फिर अगर मैं बात करूँ रिटेल एज वेल एज जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं छोटे मोटे, तो उनके द्वारा किया गया हुआ है। ऑल्दो FII और DII की अगर होल्डिंग अगर इस कंपनी में बढ़ती है तो मेरे हिसाब से और अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकता है, इस कंपनी के प्राइस एक्शन के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं आप यहाँ पर इस कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट की कंपेरिजन करूँ, दैट इज पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह का बिजनेस किया है, तो यहाँ पर मार्च 2021 के अंदर यहाँ पर कंपनी टोटल इनकम थी 80 करोड़ रुपीज़, उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी ने 10 करोड़ रुपीस का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। जून 2021 के अंदर 92 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम और उसके ऊपर 12 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, और सितंबर 2021 के अंदर 97 करोड़ रुपीस कंपनी की टोटल इनकम और उसके ऊपर 11 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हुआ है। सो यहाँ पर जो कंपनी है पिछले 3 क्वार्टर से वो काफ़ी स्टेगनेंट और पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर हमें इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न रेशियोज़ के बारे में बात करूँ, इवन इन द कोविड सिचुएशन कोविड टाइम के अंदर भी यहाँ पर जो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर हम जो है रिटर्न रेशियोज़ के थ्रू यहाँ पर हमें ईजिली देखने को मिल रहा है। जो कि सबसे पहला रेशियो देखने को मिल रहा है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि आपको बता रहा है कि अगर यहाँ पर इक्विटी डेट इस कंपनी के अंदर मार्केट
मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 26.07 परसेंटेज, मार्च 2020 के अंदर 26.21 परसेंटेज, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 24.98 परसेंट का यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखने को मिला है, दैट इज मोर देन 20 परसेंटेज। और आपको इस कंपनी के अंदर जो आरओई है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको बता रही है कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी कैपिटल है इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाता है, तो वो था इस कंपनी 2019 के अंदर 38.41 परसेंटेज, मार्च 2020 के अंदर 34.35 परसेंटेज, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 33.16 परसेंट का यहाँ पर जो है कंपनी का आरओसी परसेंटेज देखने को मिल रहा है, इट इज मोर देन 30 परसेंटेज। आरओए के बारे में बात करूँ रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, तो उसके अंदर भी यहां पर जो कंपनी के एसेट्स है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहां पर जो कंपनी एसेट्स है उसके अंदर थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड यहां पर है, एसेट्स कम हो रहा है और इन एसेट के ऊपर जो परफॉर्मेंस है कंपनी का यहां पर काफी ताबड़तोड़ यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज मार्च 2019 के अंदर 18.73 परसेंटेज, मार्च 2020 के अंदर 18.62 परसेंटेज, दैट इज मार्च 2021 के अंदर 19.08 परसेंट का यहां पर हमें कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज देखने को मिला है। लेवरेज रेशियोज के बारे में बात करूं तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इट इज डेट टू इक्विटी परसेंटेज, कंपनी डेट फ्री है जो कि मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव वाला 2019-20 एज वेल एज 2021 के अंदर। पिछले तीन साल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है उसके अंदर भी यहाँ पर हमें जो है बहुत ही अच्छा सा रिटर्न देखने को मिलता है। बट उसके बावजूद अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करूँ, जो कि आपको बता दें कि कंपनी के अंदर अगर समझ लो इंटरेस्ट आता है तो कंपनी क्या कैपेसिटी उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए, तो अगर ये एक अच्छा खासा इंक्रीमेंटल फेज में वो कंपनी के डेट इज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जो कि मार्च 2019 के अंदर था 800.52 परसेंटेज, मार्च 2020 के अंदर था 49.79 परसेंटेज, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 49.79 परसेंट से यहाँ पर बढ़कर हो चुका है 65.78 परसेंटेज। सो एक्सप्लियो सॉल्यूशन लिमिटेड जो कि आपको शेयर के अंदर काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिले, काफ़ी शांत बैठा था ये शेयर बट एक अच्छा था पॉजिटिव रिटर्न्स, पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। शेयर प्राइस करंटली ट्रेड हो रहा है 1375.3 पे और नियरली अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है, बेहद अच्छी है, बट उसी के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए अगर एक अच्छा सा रैली अगर आपको देखने को मिलती है शेयर के अंदर तो यहाँ पर करंटली कोई टेक्निकल बेसिस पर आपको कोई सपोर्ट लेवल देखने को नहीं मिलेंगे, बट हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं करेक्शन का। अगर इस शेयर में अच्छा सा करेक्शन आता है या फिर अगर आज के जो हाई प्राइस अगर कल ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए आप एक्सप्लोर सॉल्यूशन के अंदर निवेश कर सकते हो फॉर द शॉर्टर टर्म रिटर्न्स, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे हिसाब से एक्सप्लोर सॉल्यूशन एक अच्छे से रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप एक अच्छी सी प्राइस पे अगर आप बाय करो तो जस्ट एज ऑफ द मार्केट और करेक्ट करता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन आपको इस शेयर के अंदर भी देखने को मिल सकता है, तो ही आपको मेरे हिसाब से इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लोर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी यहाँ पर जो हमने कंपनी का शेयर एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ गया होगा और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।